हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल। सो आज मैं इस वीडियो के बारे में बात करूंगा कि जैसे फॉर्मर सीईओ यस बैंक के राणा कपूर की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद शेयर मार्केट में यस बैंक पे ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। पिछली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि क्या क्या मामला है। अगर आपको वो सारा कुछ जानना है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि राणा कपूर जब सीईओ थे, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े घोटाले किए थे DHFL को लेके। अभी एक सामने आया है, उसके बाद जो कयासे लगाई जा रही है कि यस बैंक का जो शेयर है, जो कि कल 6 रुपए तक पहुंच गया था, और उसके बाद इसने थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी दिखाई दी और यहाँ पे 16 रुपये तक आ गया। वो बात थी फ्राइडे की, और वहाँ पे तब इतनी जानकारी नहीं आई थी। लेकिन आज सुबह जब फॉर्मर सीईओ राणा कपूर को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ गई है ये। तो उसके बाद लोगों को अभी बहुत सारा पैनिक हो गया कि वो यस बैंक में क्या करे, क्योंकि जब उनका फॉर्मर सीईओ पहले तो सिर्फ बैंक जो घाटे में जा रही थी, अब उसके बारे में पता लगा है कि उसके जो सीईओ थे उसने बहुत ही बड़े बड़े घोटाले किए थे। तकरीबन 5,000 रुपये का घोटाला कर दिया था। उसके बाद शेयर मार्केट में बहुत ही पैनिक भरा हुआ है। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अभी आप जो जो भी लोग इसमें हैं वो वहां से निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसका जो शेयर है वो तकरीबन नीचे आ सकता है पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा पैनिक है। और किसी भी कंपनी का अगर सीईओ कोई ऐसा काम कर देता है तो उसके बाद वो शेयर जो होता है बहुत ही नीचे चला जाता है। लेकिन इस यस बैंक का तो पहले से ही शेयर नीचे जा रहा है, और कंपनी में सिर्फ डिफॉल्ट मिला ही नहीं है बल्कि उसके फॉर्मर सीईओ को अरेस्ट भी कर लिया है। सो अभी सिर्फ एक ही उनका अभी एक ही घोटाले का मालूम पता चला है 1-2 दिन में। सो उसके बाद और भी खबरें आएंगी उसके बारे में, बहुत सारे उनके घोटाले की आशंका लगाई जा रही है। सो उसके बाद ये जो शेयर है वो बहुत ही नीचे गिर सकता है। सो आरबीआई ने जो था उसका कहा था कि यस बैंक वो स्टेक खरीदेगा 50% या 26%, इतने दोनों में अभी उसने डिसाइड नहीं किया कितना स्टेक खरीदेगा। और उसके बाद ये जो शेयर है उसकी वो जो वैल्यू है वो ₹2 की उसकी फेस वैल्यू लगाई है, और जो 8 रुपये है उसकी टाइम वैल्यू लगाई है। सो टोटल वो 10 रुपये पे ऊपर, 10 रुपये पर शेयर के ऊपर उसका स्टेक खरीदेगा यस बैंक का। सो ये भी जो न्यूज़ है उसके हिसाब से लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो 16 रुपये का शेयर है वो 10 रुपये तक आएगा, क्योंकि लोगों में फिर से पैनिक हो गया होगा कि यस बैंक का जो शेयर जो है, जो SBI वो 10 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ से लोग, यहाँ से ज़्यादातर लोग सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे 10 रुपये तक। उसके नीचे भी आ सकता है लेकिन 10 रुपये को ज़्यादातर इसकी उम्मीद है कि ये छुएगा, क्योंकि RBI ने इसको 10 रुपये पे खरीदना चाहा है। ऐसा ही ये 10 रुपये तक आ सकता है कल, और यहाँ से बारी बहुत ज़्यादा सेलिंग हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए, जिन जिन लोगों के पहले यहाँ पे पैसे जो थे लोगों ने लगाए लगाए हुए थे, उसके बाद ये पूरी एक प्लानिंग चलती है जो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको निकालने के लिए, उनको थोड़ा सा फायदा कराने के लिए। यहाँ पे वैसा ही हुआ, क्योंकि जो पहले खबरें आई थी कि जो SBI जो है उसका सारा स्टॉक खरीद लेगा, तो यहाँ पे ये जो था ये सारा ऊपर चला गया था। लोगों ने खूब सारी बाइंग की, और जो आपके जैसे और मेरे जैसे जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे जो न्यूज़ थी कि RBI उसको खरीद लेगा उसको देखते हुए उन्होंने पूरा अपना पैसा वगैरह वहाँ पे लगा दिया, और जो शेयर है वो ऊपर चला गया 1 दिन में ही। और यहाँ पे आप देखिए इसकी वॉल्यूम कितना गया है। उसके बाद सिर्फ एक ही खबर आई थी कि RBI इसको खरीदेगा, लेकिन उसके बाद जो घोटाले का मालूम पड़ा है चला है, और जो 50,000 की लिमिट लगा दी है। सो आप खुद ही देखिए, सिर्फ 50,000 की अभी लिमिट लगाई थी, और यहाँ से ये शेयर कहाँ से देखिए 33 रुपये से तकरीबन आधा 50%, यहाँ पे आप देखिए 56% गिर गया है। सो 90% तक गिरा था लेकिन फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, 50% तक आ गया। और अभी ये सिर्फ खबर थी कि 50,000 रुपये की लिमिट है, लेकिन अभी जो उसका फॉर्मर सीईओ है राणा कपूर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप खुद ही लगाए बताएं, आप खुद को ही अभी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये शेयर कहाँ जाएगा अब कल को। जब भी मार्केट चालू होगी तो आप खुद ही देख लेना, ये बहुत लोगों में पैनिक बढ़ा हुआ है। पहले 50,000 रुपये की लिमिट के हिसाब से लोगों ने यहाँ पे खूब सारी सेलिंग की थी। उसके बाद अब ये बहुत बड़ी खबर आई है कि यस बैंक में बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं कि इन्फोसिस में सिर्फ एक विसल ब्लोअर ने सिर्फ कहा ही था कि यहाँ पे उन्होंने अपनी जो इनकम है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाई है, और वो शेयर कहाँ से कहाँ तक चला गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ
जो बाद में क्लैरिफाई किया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो एक आशंका थी और किसी ने सिर्फ कंप्लेन की थी। यहाँ पे वो तो पूरा जो है सीईओ वो अरेस्ट ही हो गया है, और मामला भी एक बहुत बड़ा 5,000 करोड़ रुपए का है मामला। आप खुद ही बताएं, सिर्फ अभी ये एक ही मामला है। जो आदमी ने एक घोटाला किया वो सिर्फ एक घोटाला तो नहीं करेगा, और भी उसके घोटाले सामने आ सकते हैं। इसके लिए मार्केट में बहुत ही पैनिक हुआ है। ये शेयर जो है, जो SBI ने भी 10 रुपये इसका प्राइस लगाया है, जहाँ से ये अपने स्टॉक के 50% या 25%, अभी दोनों में डिसाइड नहीं हुआ, स्टॉक खरीदेगा। लेकिन ये शेयर जो है वो 10 रुपये से भी नीचे जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी खबर आ गई है कि राणा कपूर की गिरफ्तारी और घोटाले का मामला। यस बैंक पे अभी किसी को भरोसा नहीं रहा है, और आने वाले दिनों में भी जो जो बैंक बंदों ने यस बैंक में, अगर 50,000 की लिमिट जब भी खत्म होगी तो लोगों ने यहाँ से अपना पैसा निकालना शुरू कर देना, और यहाँ से अपने अकाउंट जो है वो यहाँ से बंद कर देंगे, और किसी और बैंक में, किसी सरकारी बैंक में लोगों का भी मान है कि वहां पे अपने पैसे रखना ज्यादा सुरक्षित है किसी प्राइवेट बैंक में। ये यस बैंक के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। यहाँ से बहुत ही कम चांसेस है जाए जा सकता है, लेकिन इसको बहुत ही समय लग सकता है, तकरीबन 1-2 साल लग सकता है ऊपर जाने में। यहाँ से आप, मेरी तो यही है कि जो जो भी लोगों ने यहाँ पे पैसे निकाले हैं उनको एक बस निकल जाना चाहिए यहाँ से। अगर ये शेयर तकरीबन यहाँ से फिर 5-6 रुपये में आता है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, सिर्फ एक गैम्बलिंग खेल सकते हैं। इसमें मेरी यही आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी इसमें ना लगाएं, और बाइंग इसमें अभी तो बन नहीं रही है, अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए। फ्राइडे को ये एक दिन में इतनी मार्केट इतना गिर गया 50%, और अभी सैटरडे और संडे में 2 दिन में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें आ गई हैं, उनका सीईओ भी अरेस्ट हो गया है, और जाने क्या क्या न्यूज़ें आएंगी। एक दिन में आप देखिए, एक दिन में ही उनका सीईओ अरेस्ट हो गया, आगे बाकी 1 हफ्ते में क्या क्या होगा इसके। इस शेयर में मेरी यही आपसे उम्मीद है कि आप सोच समझ कर पैसे लगाएं। मैं तो यहाँ से जितना भी मेरा पैसा है मैंने सारा निकाल लिया था पहले ही, जहाँ से जब ये यहाँ से बाइंग हुई थी तो मैंने यहाँ से जो थोड़ा बहुत पैसा लगाया था मैंने निकाल लिया था यहाँ से। उसके बाद आप देखिए कहाँ पे ये आ गया है। आप सभी से यही आशा है कि आप सोच समझ के अपने पैसे जहाँ भी लगाना चाहें लगाएं। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को ये बात पता चले। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।